नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले इसका पहला भाग आप लोग जरूर सुने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक आपने सुना कि कैसे रमा की तबीयत बिगड़ती है और उसके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। हालत ऐसी हो चुकी थी उसकी कि उसके सारे घर वाले मिलकर के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। और अब आगे, अगले दिन सुबह 10 बजे के बाद रमन अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर रजत के चाचा के घर आ जाता है। काले रंग के कपड़े पहने हुए वह तांत्रिक लगभग 45 साल के आसपास का होगा। लंबी दाढ़ी मूछों में सफेदी साफ झलक रही थी। माथे पर बड़ा तिलक लगा करके उसने अंगोछा डाल रखा था। रमा को अब तक होश नहीं आया था। तांत्रिक ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया, कुछ बुदबुदाते हुए जगह जगह अभिमंत्रित जल छिड़का। उसके बाद बेहोश रमा के दाएं हाथ की कानी उंगली को पकड़ करके दबाया और आश्चर्यजनक रूप से रमा ने एकदम से आंखें खोल दी। उसके होश में आते ही तांत्रिक ने उसके मुंह पर भी वह अभिमंत्रित जल छिड़क दिया। ऐसा करते ही रमा एकदम से उठ करके बैठ गई और उस तांत्रिक की ओर कहर भरी नजरों से देखने लगी। यह सब देखकर उसकी मां मंगला और रजत की मां शांता डर रहे थे। रजत और रमन भी धड़कते दिलों से तांत्रिक की कार्यवाही को देख रहे थे। सभी के मन में यही सवाल था कि क्या रमा ठीक हो पाएगी। तांत्रिक ने उसके गुस्से की परवाह किए बिना गरज करके पूछा, कौन है तू? चल नाम बता, नाम बता अपना। जवाब देने के बजाय रमा के मुंह से मर्दाना आवाज में फिर से हंसी सुनाई दी। यह देखकर एक और खड़ी हुई उसकी सहेली पवित्रा भी दहल उठी। तांत्रिक ने फिर से उसकी कानी उंगली को पकड़कर जोर से भींच दिया। रमा के मुंह से चीख निकल गई। अब भी वह भारी आवाज में ही बोल रही थी। तांत्रिक ने दोबारा से सवाल किया, बोल तू कौन है और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? चिल्लाते हुए रमा ने कहा, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे सवाल जवाब कर सके। भाग जा यहां से, वरना तुझे पछताने के सिवा कुछ नहीं हासिल होगा। तांत्रिक भी दहाड़ते हुए बोला, अपने हौसलों को इतना मत बढ़ा ऐ दुष्ट आत्मा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे जहन्नुम की आग में ही झोंक न दूं। यह कहते हुए उसने एक सुलगी हुई लकड़ी को उठा करके उसका धुआं फूंक मार मार करके रमा की ओर कर दिया। वह धुआं रमा के मुंह पर जाते ही रमा को जैसे एक कपकपी सी लगी और वह इधर उधर अपने सिर को झटकने लगी। सिर के बाल बिखर गए थे और वह बड़ी भयानक लग रही थी। एकाएक वह रोने लगती है। अब की बार उसके गले से जो आवाज निकल रही थी वह रमा की ही थी। रोते हुए उसने कहा, मुझे बचा लो, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तांत्रिक ने अब उसकी उंगली छोड़ दी और उस पर धुआं करना भी बंद कर दिया। ठीक उसी पल जैसे बिजली जैसी ताकत आई हो, रमा के दाएं पैर की जोरदार लात पड़ी और तांत्रिक दूर जाकर के गिरा और वह चीखता हुआ बैठ गया। रमा के चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी और मुंह से वही मर्दाना ठहाके गूंज रहे थे। यह भयानक दृश्य देखकर पवित्रा डर करके वहां से भाग गई। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि तांत्रिक के मुंह से खून बह रहा था। वह कराहते हुए उठा और उसने साफ कह दिया, इस दुष्ट आत्मा से पार पाना मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि यह कोई साधारण रूह नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली है। अगर जल्दी ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो यह रमा के शरीर पर पूरी तरीके से हावी हो जाएगी और रमा का कमजोर शरीर यह सहन नहीं कर पाएगा। अब वह तांत्रिक वहां एक भी पल नहीं रुका, मगर जाते जाते उसने एक भभूत दे दिया और कहा कि इसे लगा देने से बेकाबू हुई रमा को बेहोश किया जा सकता है। भभूत द्वारा उसे बेहोश किया गया और एक बार सब फिर से चिंतित हो उठे। उनके द्वारा किया गया हर उपाय निष्फल होता जा रहा था। क्या रमा कभी ठीक हो पाएगी?
यह सवाल सभी को बेचैन कर रहा था। रजत घर की छत पर कुर्सी डालकर बैठा था। उसका मन बहुत बेचैन था। रमा पर कब्जा जमाए उस आत्मा का तो इलाज उसे खोजना ही होगा। इसी बेचैनी में वह खोया हुआ था। तभी उसके कानों में पवित्रा की आवाज पड़ती है। वो पूछती है, क्या मैं आ सकती हूँ रजत? ख्यालों से बाहर निकलते हुए उसने देखा कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पवित्रा खड़ी है। वो बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ पवित्रा। वह भी एक दूसरी कुर्सी पर रजत के पास बैठ जाती है और वह कुछ बताना चाहती है। वो कहती है कि मैंने आज तक ये बात सबसे छिपाई है। रजत चौंक जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार कौन सी ऐसी बात है, और उसके जहन में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। तब पवित्रा बोलना शुरू करती है कि जब हम लोग टूर से लौट रहे थे और ढाबे पर खाना खाने के बाद हम उस जगह पर घूमने के लिए गए जो थोड़ी सी वीरान थी, और वहां पर एक छोटा सा मंदिर और एक मजार भी थी। वहां का एक नियम था कि वहां पर किसी को बुलाया नहीं जाता है, क्योंकि वहां माना जाता था कि वहां पर आत्माओं रूहों को इंसानी शरीर से अलग किया जाता है और वो वहां भटकती रहती हैं। यदि कोई उन्हें बुला ले तो वो उनके साथ चली जाती हैं। सारे लोगों ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन रमा ने वहां पर बोला था कि चलो चलते हैं, और शायद तभी से उसकी तबीयत बुरी तरीके से खराब होने लगी। वो बोलती है कि काश रमा उस दिन सबकी बातें मान लेती तो शायद आज हमें यह दिन नहीं देखने पड़ते। यह सब बताते हुए पवित्रा बहुत उदास नजर आने लगी थी। उसकी बातें ध्यान पूर्वक सुन रहे रजत ने उससे कहा, जिसके पास तुम जैसे अच्छे दोस्त हो उसका शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? पवित्रा ने कहा, रमा हरदम तुम्हारी तारीफ करती थी, उसकी नजर में तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, मुझे भी खुशी होगी आप जैसा दोस्त पाकर। दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। अब पवित्रा ने रजत से विदा ली। जाते वक्त जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो रजत को भी अपनी ओर देखते हुए पाया। यह देखकर दोनों थोड़ा सा मुस्कुराए और वो वहां से चली गई। रात हो चुकी थी। रात का गहरा अंधकार चारों ओर फैल चुका था। रमा को अब भी होश नहीं आया था। शंभू, मंगला और शांता अपने अपने कमरों में बैठे हुए टाइम काट रहे थे। रजत रमा के पास ही एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। लगभग 11 बज चुके थे, मगर उसके बाद उसकी आंखें भी नींद से बोझिल होने लगी और वह कुर्सी पर लेटे हुए ही थोड़ी सी झपकी में आ गया। और जैसे ही उसने झपकी ली उसी समय रमा ने अपनी आंख खोली और इधर उधर देखने लगी। उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वह बिस्तर से उतर कर अंगड़ाई लेने लगी और एक नजर उसने रजत के ऊपर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। उसके कुछ ही मिनट के बाद पूरे मकान में एक चीख गूंज गई। चीख इतनी तेज थी कि रजत भी एकदम से हड़बड़ा करके उठा, और जागते ही सबसे पहले उसकी नजर रमा के बिस्तर की ओर गई जहां पर रमा नहीं थी। हड़बड़ा कर वह कमरे से बाहर भागा। बाहर निकलते ही उसकी नजर अपने चाचा पर पड़ी। दोनों मिलकर रमा को ढूंढने लगे। किसी अनहोनी की आशंका से दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। ढूंढते हुए जब रजत किचन में पहुंचा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि सामने फर्श पर रमा पड़ी हुई थी और उसकी कटी हुई कलाई से खून बह रहा था जो फर्श को लाल कर रहा था। उसे थोड़ी दूर पर चाकू भी पड़ा हुआ मिला। दोनों ने भागकर उसे संभाला और डॉक्टर को जल्दी से फोन मिला करके बुलाया गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और रमा के हाथ पर पट्टी भी बांध दी। रमा फिर से बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने कहा कुछ देर में होश आ जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। पड़ोस का एक आदमी भी वहां पर उपस्थित था। उसने रजत को बताया कि एक दूसरे पंडित जी हैं जो रमा को इस आफत से बाहर निकाल सकते हैं। यह कहकर उसने उनका फोन नंबर रजत को लिख दिया। रजत ने फोन पर उनसे सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि पीड़ित को बंद गाड़ी से मेरे पास ले आओ, लेकिन ध्यान रहे कि जब वह मेरे गांव की सीमा में प्रवेश करेगी तो आक्रामक भी हो सकती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाएगा कि वह इधर आ रही है। और जैसे ही
वह मेरे पास पहुंचने वाली होगी वह बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने पास के इलाकों को मंत्रों के द्वारा बांध रखा है, जिस कारण जब कोई दुष्ट आत्मा वहां से गुजरती है तो उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। मगर जब तक तुम मेरे पास न पहुंचना, तुम्हें उसे गाड़ी से नीचे नहीं उतरने देना है। रजत और उसके परिजनों को फिर से एक आशा की किरण दिखाई दी और सुबह ही रजत ने अपने चाचा शंभू और अपने दोस्त रमन और अपनी माँ शांता देवी को साथ लेकर कार से उनके पास जाने की तैयारी कर ली। भभूत द्वारा रमा को फिर से बेहोश किया गया। लगभग 3 घंटे के सफर के बाद रजत की नजर उस बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था परोना 2 किलोमीटर। परोना वही जगह थी जहां पर उसे जाना था। गाड़ी अभी परोना की सीमा में प्रवेश कर ही रही थी कि रमा ने एकदम से अपनी आंखें खोली और इधर उधर नजरों को घुमा करके देखने लगी। फिर एकदम से उसके मुंह से गुर्राहट निकली, गाड़ी को यहीं रोक दो वरना तुम सबकी खैर नहीं है। गाड़ी को ड्राइव कर रहे रजत का मन किसी बुरी आशंका से कांपने लगा था। गाड़ी में सवार अन्य लोग भी घबरा गए थे और उसे कस करके पकड़े हुए थे। रजत चिल्लाया, इसे जोर से पकड़े रहो, हम कुछ ही मिनटों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन रमा ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। बिखरे बालों और अंगारों से जलती आंखों वाली रमा एकाएक ड्राइव कर रहे रजत पर पीछे से झपट पड़ी। उसके एकदम से हमलावर होने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने पीछे से रजत की गर्दन पर अपने नाखूनों से वार किया। रजत पीड़ा से कराह उठा और एक पल के लिए गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ गया। फलस्वरूप गाड़ी सड़क पर इधर उधर लहराने लगी, मगर जल्दी ही रजत ने उसे कंट्रोल कर लिया, नहीं तो गाड़ी कहीं टकरा करके दुर्घटना ग्रस्त भी हो सकती थी। शंभू और शांता ने उसे कसकर पकड़ लिया और रजत से अलग किया। रमा फिर से मर्दाना आवाज में बोली, किसी को छोड़ूंगा नहीं, मरोगे सबके सब। गाड़ी रोक कर मुझे नीचे उतार दो वरना सबके सब भुगतोगे। यह कहकर उसने शांता देवी की गर्दन पकड़ ली। रमन और शंभू रमा को पकड़कर शांता से अलग करने की कोशिश करने लगे, मगर उसके जिस्म में पता नहीं कैसी शैतानी ताकत सवार थी जिसके कारण उसकी पकड़ बड़ी मजबूत थी। छीना झपटी वाला माहौल बन गया था। किसी तरह शांता को उससे अलग किया गया। तब पलटकर उसने रमन के कंधे पर अपने दांत कड़ा दिए। रमन दर्द से चिल्लाया। इस बीच गाड़ी वहां लगभग पहुंच चुकी थी। रजत ने एक छोटे से घर के सामने गाड़ी रोकी, वो बीराने में बना एक घर था, और जल्दी से उनका नंबर मिलाया। थोड़ी देर बाद वह पंडित जी गाड़ी के सामने पहुंच गए। उम्र उनकी 50 के करीब थी, बड़ी ही ताकतवर बॉडी के वो लग रहे थे। तभी उनके पीछे एक व्यक्ति और आया जो सिर पर जालीदार टोपी पहने था। उसकी उम्र भी लगभग 50-55 के आसपास थी। कुल मिलाकर लंबा तगड़ा और मजबूत आदमी था। उसने पंडित जी से पूछा, ये कौन है? तो पंडित जी ने कहा, ये मौलवी साहब हैं और हम दोनों यहाँ साथ साथ रहते हैं, इनका नाम जमाल है। पंडित जी ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और मंत्र पढ़ते हुए एक काला टीका रमा के माथे पर लगा दिया। ऐसा करते ही रमा कुछ शिथिल पड़ गई। अब उसे पकड़कर नीचे उतारा गया। थोड़ी देर बाद वहीं सामने एक सफेद गोले के अंदर रमा को बैठा दिया गया। उसके ठीक सामने पंडित जी और मौलवी साहब बैठे हुए थे। पंडित जी ने चिमटे जैसी एक लकड़ी से रमा की कानी उंगली को दबाया। ऐसा करते ही रमा के मुंह से डरावनी चीखें निकलने लगी। कभी गुर्राहट और कभी रुदन की आवाजें वहां गूंज रही थी। और उधर मौलवी साहब जमाल जी ने एक सफेद धागा लिया और उसको अपने दोनों हाथों में पकड़कर खींचने लगे और साथ साथ कुछ बुदबुदा भी रहे थे। बुदबुदाते हुए उन्होंने धागे को हल्का सा रमा के गले में बांध दिया और कड़क आवाज में सवाल किया, बता कौन है तू और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? रमा ने जलती आंखों से उसे देखा और दहाड़ते हुए बोली, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं मौलवी, जो तू मुझे अपना आदेश सुना रहा है। नहीं छोड़ूंगा इस लड़की को, तुझे जो करना है कर ले, अब तो तुझे भी सबक सिखाना पड़ेगा। जैसे ही उसने इतना कहा, मौलवी साहब ने उसके गले में बंधे हुए धागे को कसना शुरू कर दिया।
इसी के साथ रमा पर सवार शैतान दर्द से बिलबिला उठा। उधर पंडित जी भी उसकी उंगली को दबाते हुए मंत्रों का जाप करते चले जा रहे थे और दर्द से बिलबिलाते हुए शैतान बोला, रुको मैं बताता हूँ। ठीक है तो शुरू हो जाओ, मौलवी और पंडित ने एक साथ कहा और उसे कुछ ढील दी। रमा के शरीर पर हावी उस रूह ने अपनी भारी आवाज में बताना शुरू किया, मेरा नाम राजा है, मुझे तलवार से काट कर मार डाला गया था और मैं उसके बाद से एक इंसान के ऊपर सवार था, लेकिन जिस जगह पर मैं इससे मिला वहां पर मुझे उस इंसान से अलग करके छोड़ दिया गया था और वहीं पर मैंने इस पर कब्जा किया। पंडित जी और मौलवी ने एक साथ पूछा, तुझे किसने और क्यों मारा? लाल आंखों से घूरते हुए वह चिल्लाया, मैंने उसी जगह पर अशफाक की बेटी फरजाना का बलात्कार किया था, फरजाना के बाप और भाइयों ने मुझे तलवार से काट कर मार दिया था। तब पंडित जी बोले, जीते जी भी तुमने बे इंतहा बुरे कर्म किए हैं और अब मरने के बाद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, तुझे उस परवरदिगार के न्याय का खौफ भी नहीं जो तुझे जहन्नुम की आग में झोंक देगा? इस लड़की के जिस्म पर कब्जा क्यों किया तूने? इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? इसने मुझे आवाज लगाई थी इसलिए मेरा दिल इस पर आ गया और मैंने इसे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि यह जल्दी मर नहीं रही थी। लेकिन कब तक इसको बचाओगे मुझसे? इसे अब तो मरना ही होगा, मौलवी दहाड़ते हुए बोला। अपने होश की दवा करे जालिम, तेरी जैसी पता नहीं कितनी नापाक रूहें मेरे सामने रहम की भीख मांगती नजर आती हैं। अब तेरा भी जाने का समय आ गया है। यह कहकर मौलवी ने लोबान जलाकर धुआं कर दिया और उधर पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए रमा के माथे के बीचों बीच अपने दाएं हाथ का अंगूठा रख दिया। जैसे ही लोबान का धुआं रमा के नाकों में जाने लगा और अंगूठे का दबाव बढ़ने लगा, वह फिर से चीख चिल्लाने लगी, बालों को इधर उधर झटकने लगी। एक अजीब सी बेचैनी से उसका सारा जिस्म कांप रहा था। आखिरी बार उसके मुंह से चीख निकली और वह उसी घेरे में लुढ़क गई। मौलवी साहब ने आयतें पढ़ना शुरू किया और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दोनों के साथ में पढ़ने से रमा का जिस्म कांप रहा था और फिर एक तेज झटका आया और रमा शांत हो गई। यह सब देखकर शंभू जी घबरा गए और उन्होंने कहा, यह क्या हो रहा है रमा को? कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तभी मौलवी और पंडित जी ने कहा, इसे सता रही शैतानी रूह का कब्जा अब इसके शरीर पर नहीं है, यह बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद उठ जाएगी। मौलवी और पंडित की इस बात को सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी के भाव उभर गए। शंभू ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और उस मौलवी का भी बड़ा एहसान मंद हुआ। अगले दिन सभी घर पर इकट्ठा बैठे ठहाका लगा रहे थे। रजत की नजर पवित्रा को ढूंढ रही थी, वह शहर जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहता था, इसलिए बेचैनी से वह बाहर टहलने लगा। तभी उसे सामने से आती पवित्रा दिखाई दी। उसे देखकर रजत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पवित्रा ने भी बदले में मुस्कुरा कर उसे देखा। पवित्रा जब पास आई तो उसने पूछा, क्या तुम आज ही शहर जा रहे हो? तो उसने कहा, हाँ आज ही हम वापस जा रहे हैं, मगर लग रहा है जैसे कुछ पीछे छूट गया हो। रजत के दिल की बात उसकी जुमा पर आ ही गई। जान करके भी अनजान बनते हुए पवित्रा ने पूछा, हमें भी तो कुछ खबर हो कि ऐसा यहाँ क्या है जो तुम्हारे दिल में बस गया। रजत ने कहा कि क्या बताने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? तो मुस्कुराते हुए पवित्रा बोली, बिना कहे भी तो हाले दिल का पता नहीं चलता। रजत ने कहा कि कहने से डरता हूँ कि कहीं वह बुरा ना मान जाए और मेरे सपने टूट कर बिखर न जाए। तभी पवित्रा बोली, ये भी तो हो सकता है कि खुलकर कहने से सपनों को नई उड़ान मिल जाए। तो रजत ने बात को वहीं रोकते हुए कहा कि सुनो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और अपना हम सफर बनाना चाहता हूँ। रजत की इस बात से पवित्रा शर्मा कर अंदर चली गई, मगर जाते जाते उसकी मुस्कान बता रही थी कि वह भी रजत को बहुत चाहती है। अब रजत ने हवा में छलांग लगाई और उसके चेहरे पर खुशी का भाव साफ साफ दिख रहा था। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, मगर वहां से जाते हुए रजत को पवित्रा के रूप में उसका प्यार भी मिल चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए द हंटेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।
दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।